मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर मैं जेपी आयुर्वेद रत्न आपका स्वागत करता हूं। आज फिर स्वास्थ्य से संबंधी एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसका उपचार भी मैं आपको बताऊंगा। अम्ल पित्त, इंग्लिश में हाइपर एसिडिटी, जिन भाई बहनों को एसिड बनना शुरू हो जाता है, अम्ल पित्त की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है, उनके स्वास्थ्य पर इसका अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब एसिड बनता है तो हमारे सीने में जलन होती है अंदर, और कभी कभी ये बढ़ जाने से अंदर छाले भी पड़ जाते हैं, जिसको अल्सर कहा जाता है, और अल्सर होने से कई बार खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। बहनों भाइयों, जब यही पित्त हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है तो इससे और भी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। उसी से खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, यहाँ तक के आमवात, गठिया इत्यादि इस प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, और इसका गुर्दे पर भी प्रभाव पड़ता है। वैसे तो एसिड हम सभी को बनता है और एसिड का हमारी पाचन क्रिया पर विशेष प्रभाव भी है, परंतु यही जब अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो अनेक उपद्रव पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्वयं अनुभव करें कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से आपको अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है, तो अपने खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को निकाल दें, ना खाएं, क्योंकि स्वाद में पड़ने के चक्कर से हम किसी विपत्ति को पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जिसको अम्ल पित्त बनता है उनको खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, ज्यादा घी तेल में तले हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए, सलाद खूब खाएं, कच्चे पदार्थ खाएं, घी दूध से बने हुए दही मट्ठा ये आप ले सकते हैं, और मूंग दाल का भात अधिक से अधिक प्रयोग करें तो आपको अम्ल पित्त की समस्या से छुटकारा आसानी से मिल सकता है। परंतु यदि औषध की आवश्यकता आपको पड़ती है तो मैं आपको एक बहुत साधारण औषध आपको बता रहा हूँ, ये आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको लेना है ए विपत्ति कर चूर्ण, एक बार फिर से सुन लीजिए, ए विपत्ति कर चूर्ण, ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आपको उपलब्ध होगा, तैयार मिलेगा। इसको 100 ग्राम की मात्रा में आप ले लीजिए, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये 100 ग्राम की मात्रा में ही उपलब्ध भी होता है, 60 ग्राम में भी आता है। और इसके पश्चात दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है मुक्ता शुक्ति भस्म, ये आपको लेना है 20 ग्राम, और इस 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म को अविपत्ति कर चूर्ण में मिक्स कर दीजिए। और अब तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है नौसादा, मात्र 10 ग्राम नौसादा लेकर के उसको पीस लीजिए, आराम से पीस जाता है खरल में, और उसको भी इसी चूर्ण में मिक्स कर दीजिए। तीनों को अच्छी तरह मिक्स करने के पश्चात एक टाइट शीशी में भरकर रख लीजिए, और इसमें से लगभग आधा चम्मच यानी 3 से 4 ग्राम प्रतिदिन सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले ताजे पानी से ले लिया करें। बहनों भाइयों, परहेज के साथ साथ जो मैंने आपको पहले बताया, आप इस औषध का प्रयोग करेंगे आपको अत्यधिक लाभ आएगा, हाइपर एसिडिटी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और ज़्यादा परेशानी भी उठानी नहीं पड़ेगी, तीनों द्रव्य आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इनको आप प्रयोग करें और इनसे लाभ उठाएं, और इसी के साथ साथ मैंने गैस, एसिडिटी और कब्ज के ऊपर वीडियो डाला था, उसको भी आप देखें, वो भी आपके लिए लाभदायक है। और जिन भाई बहनों को अधिक कब्ज रहती है,
कब्ज का के कारण भी पित्त बनने लगता है। तो कब्ज का भी एक वीडियो मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो डाला हुआ है, वंडरफुल मेडिसिन, तो उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं कब्ज निवारण के लिए। तो इसका आप उपाय इस तरह से करें, आपको छुटकारा मिलेगा और आप याद करेंगे कि क्या चीज़ आपको मिली है, क्या औषध आपको प्राप्त हुई है, आप इसको निरंतर लें। और बहनों भाइयों, ये सब चीज़ें दो चार दिन के इस्तेमाल से ठीक नहीं होती, आपको कम से कम लगातार 3-4 महीने तक इनको प्रयोग करना होता है। और जिस प्रकार से आपको लाभ आता जाए, आप इसकी मात्रा कम करते जाएं, तो आप सुबह शाम से एक टाइम कर सकते हैं और उसके बाद 2 दिन में एक खुराक ले सकते हैं, 3 दिन में एक खुराक ले सकते हैं, धीरे धीरे करके आप इसको इसी तरह से बंद कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, आप इसको बनाएं और लाभ उठाएं। और आपको यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.